सनातन को खत्म करने की बात करने वाले उदयनिधि स्टालिन ने उप मुख्यमंत्री बनते ही अपना एंटी सनातन एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है। इसका जीता जागता शिकार है सद्गुरु का ईशा फाउंडेशन, जहां दुनिया भर से श्रद्धालु सनातन को जानने के लिए आते हैं और यही चीज बाप बेटे को रास नहीं आ रही। इसीलिए इन्होंने सनातन का प्रचार करने वाले संतों के आश्रम में छापे का डर दिखाकर धमकाना शुरू कर दिया है। वरना सोचिए, एक ईशा फाउंडेशन की जांच के लिए स्टालिन सरकार को 150 पुलिसकर्मियों की जरूरत क्यों पड़ गई? वो भी एक शिकायत पर कि किसी श्रद्धालु ने संन्यास ले लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पर अविश्वास जताते हुए मामले को अपने कब्जे में रखकर सद्गुरु को बड़ी राहत दी है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से इस मामले में पूरे आश्रम की जांच की गई, क्या उन्होंने कभी किसी गैर हिंदू स्थलों पर छापा मारा है? हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले डीएमके के जिगरे कांग्रेस ने 2004 में सत्ता में आने के कुछ महीनों के भीतर ही दिवाली के दिन शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को हत्या के एक फर्जी केस में गिरफ्तार करवाया था। जिस वक्त गिरफ्तारी की गई थी, तब वो 2500 साल से चली आ रही त्रिकाल पूजा की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त भी कांग्रेस ने गठबंधन वाली सरकार का दुरुपयोग करके उन्हें निशाना बनाया, क्योंकि वो अवैध मिशनरियों के खिलाफ लड़ रहे थे और हिंदू समाज को एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद शंकराचार्य बेगुनाह साबित हुए और कांग्रेस की सरकार को कोई सबूत, कोई गवाह नहीं मिला। हालांकि रिमोट वाली सरकार चलाने वाली सोनिया यही नहीं रुकी, इसी तरह रामदेव बाबा को भी खूब परेशान किया गया था, बस इसीलिए क्योंकि वो स्वदेशी प्रोडक्ट बनाने की बात करते थे, लोगों को योग के लिए प्रेरित करते थे। साध्वी प्रज्ञा को भी कांग्रेस ने मालेगांव बम ब्लास्ट केस में आरोपी बना दिया था। धर्म गुरु और हिंदू राष्ट्र के समर्थक असीमानंद की कहानी को फंसाने की साजिश भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं, जिन्हें न सिर्फ समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में बल्कि 2007 में मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस का भी आरोपी बनाकर जेल में डाला गया। और इसी केस का फायदा उठाकर कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद नामक मनगढ़ंत नैरेटिव फैलाया था। हालांकि 2018 में कांग्रेस की ये साजिश भी निष्फल रही और असीमानंद को दोनों ही मामलों में बाइज्जत बरी कर दिया गया। आज आप देखिए, सद्गुरु के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। स्टालिन सरकार ने अपना पूरा सरकारी तंत्र सद्गुरु को किसी तरह डरा धमका कर उनका हौसला तोड़ने में लगी है। बाप बेटों की इस खुन्नस की वजह यह भी है कि हाल ही में तिरुपति के प्रसाद का चर्बी कांड के बाद सद्गुरु ने मंदिरों को आजाद करने की आवाज उठाई। साथ ही सद्गुरु अपने ईशा फाउंडेशन के माध्यम से दुनिया भर को सनातन की अद्भुत काया से परिचय करवाते हैं, युवा को सनातन की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो आप खुद सोचिए, जो सनातन मिटाने की बात करते हैं, उन्हें ये बात कैसे सुहाएगी? सोचिए, एक हिंदू संत को अपने ही देश में अपने ही सनातन धर्म के प्रचार पर रोक लगा दी जाती है। उस फाउंडेशन को मिटाने के लिए स्टालिन अपना दस्ता भेजता है जो देश भर में समाज हित के कार्य करती है, वहीं आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करने में इनके पैर थर थर कांपते हैं। स्टालिन सरकार ये जवाब क्यों नहीं देती कि तमिलनाडु में पादरियों द्वारा महिलाओं का यौन शोषण करने की कई घटनाएं सामने आई है, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने ऐसे कितने चर्चों पर छापे मारे हैं?